कवनो बीमारी के दवाई खैल आम बात बा, जवना से इस स्थिति के इलाज कैल जा सकता। कवनो भी व्यक्ति में डिप्रेशन के इलाज खातिर एंटी डिप्रेसेंट के इस्तेमाल डॉक्टर के निगरानी के जरूरत बा। लेकिन गर्भावस्था सबसे नाजुक अवस्था होखेला, जहवा कवनो दवाई के सेवन करे खाती डॉक्टर के सुरक्षा के सही तरीका से विचार करे के जरूरत होखेला। गर्भावस्था के दौरान डिप्रेशन के इलाज खातिर इस्तेमाल होखे वाली मुख्य अवसाद रोके वाली दवाई सभावे, एक चयनात्मक सेरोटोनिन रिप्टेक इनहिबिटर SSRI। गर्भावस्था के दौरान डिप्रेशन के इलाज के पहला लाइन SSRI हा। ये दिमाग में सेरोटोनिन के स्तर बढ़ावे अवरी मूड में सुधार करके काम करेले। SSRI के असर देखावे में 6 हफ्ता तक के समय लाग सकता। SSRI के आम ब्रांड नाम बा सेलेक्सा, लेक्साप्रो, जोलोफ्ट, प्रोजाक। आ SSRI के आम दुष्प्रभाव में शामिल बा मूंग के सूखल, नींद आवे, अनिद्रा, बेचैनी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। 2 सेरोटोनिन नोरेपिनेफ्रिन रिप्टेक इनहिबिटर SNRI। SNRI दूसरा लाइन के दवाई है, जवना के इस्तेमाल गर्भवती अवरी स्तनपान करावे वाली महतारी में डिप्रेशन के इलाज खाती कैल जाला। इस सेरोटोनिन अवरी नोरेपिनेफ्रिन दोनों के स्तर बढ़ा के काम करेले, जवन के दिमाग में रसायन के संतुलन बनावे अवरी मूड में सुधार करे में मदद करेला। SNRI के आपन असर देखावे में 6 से 8 हफ्ता के समय लागेला। SNRI सब के आम ब्रांड नाव हवे प्रिस्टिक, फेजिमा, एफेक्सर। आ SSRI के आम दुष्प्रभाव में शामिल बा पसीना बढ़ल, ब्लड प्रेशर बढ़ल, मुंह के सूखल, कामेच्छा में कमी, अनिद्रा। आम तौर पर SSRI के गर्भावस्था के दौरान डिप्रेशन के इलाज खातिर अन्य डिप्रेशन रोके वाला दवाई सब के तुलना में सुरक्षित विकल्प मानल जाला। खुराक कम शुरू करे के चाही, अवरी जरूरत के मुताबिक धीरे धीरे डॉक्टर के देखरेख में बढ़ावे के चाही। डिप्रेशन के इलाज के फायदा, अवरी विकासशील भ्रूण के संभावित जोखिम के बीच संतुलन बनावल जरूरी बा।